इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी में एक प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पर जैसे कि हम फेसबुक से इसमें लॉगिन करते हैं या किसी भी आईडी से लॉगिन करते हैं गूगल अकाउंट को छोड़कर, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखाता है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने कंट्री सेलेक्ट की और यहाँ पर हम प्लेयर को क्रिएट कर देते हैं मेल लगाकर कुछ भी यहाँ पर, तो देन यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो एक ऊपर ये आता है नेम इज़ ऑलरेडी टोकन। तो ये क्या रहता है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आता क्यों है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्रिएट मैं करता हूँ तो देन वही बता रहा है, बार बार वही बता रहा है। तो अब क्या करा जाए, तो यहाँ पर आप एक हल्का सा आइकन देख रहे होंगे नेम का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर नेम हमने ये डाल रखा है, लेकिन ये जो नेम है ये किसी ऑलरेडी किसी और पर ये चल रहा होगा, तो इस वजह से ये हमें यूज़र नेम नहीं मिलता। क्योंकि गेम में ऐसा होता है कि पबजी गेम में ऐसा होता है कि अगर आप एक नाम के हैं तो आप एक ही यूज़र नेम बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कुछ और अक्सर, यहाँ पर ये मैंने बहुत सारे डाल दिए, 5-6, 5-6 आप कम डाल सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर सिंपली दिखाने के लिए डाले हैं। और अब यहाँ पर मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद हमारा ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है इसका जितना भी होता है, बाकी आपको और कुछ नहीं करना है इस पर। और शायद आपको पता भी चल गया होगा क्यों आते, क्योंकि आप यूज़र नेम बिल्कुल सेम ही ले लेते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।